आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी का यूएई और कुवैत दौरा टला, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच लिया गया फैसला। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले कोरोना हुई संक्रमित, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद की अपील। दिल्ली मेट्रो में आज से लागू हुई कोरोना की नई गाइडलाइंस, मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी लंबी कतार। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 10 और मामले आए सामने, कुल आंकड़ा पहुंचा 16। झारखंड सीएम सोरेन का बड़ा ऐलान, 26 जनवरी से बीपीएल वालों को ₹25 सस्ता मिलेगा पेट्रोल डीजल। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देवरिया में बैकुंठपुर में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन समाजवादी पार्टी नेता अशोक कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप रहे। इस आयोजन में लगभग 2000 कंबलों का वितरण किया गया। कंबल पाने से महिलाओं में जो खुशी की लहर देखने को मिली, वहीं महिलाओं की भीड़ भी बेकाबू हो गई। इस कार्यक्रम में भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि समाजवादी नेता भीड़ कुंभ में एकत्र रहे हैं। कार्यक्रम में जुटी भीड़ पर खुशी जताते हुए समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि जितने लोग यहां पर हैं, इस बात का शुभ संकेत है कि इस बार सपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोगों का दिमाग हाईजैक कर लिया है। में जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन महासम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन बीजेपी की नींद हराम करने का काम करेगा। इतना भव्य बड़ा विशाल सम्मेलन जिसमें माताएं बहनें भी भारी संख्या में आई है, ये सम्मेलन बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और देवरिया की सभी सीटें जीतने का काम होगा। सभी जात वर्ग के लोग हमारे साथ में हैं और माननीय अखिलेश यादव जी जब से रथ यात्रा लेके निकले हैं तब से बीजेपी परेशान है, उसके समझ में नहीं आ रहा कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें। वहीं मैनपुरी के नगला पजावा स्थित एक मैरिज होम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक को संबोधित करने पहुंचे दिल्ली के गोकुलपुर विधानसभा के विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं संबोधन में उन्होंने कहा कि आगामी 2 तारीख को लखनऊ में होने वाली रैली को सफल बनाए जाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से अपील की गई है। वहीं पर कहा गया है कि बढ़ चढ़कर इसमें कार्यकर्ता शामिल हो। वहीं 10,000 से अधिक कार्यकर्ता मैनपुरी से रवाना होने की जो है खबर भी सामने आई है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी फिलहाल सौंप दी गई है। राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी की एक बेरोजगार गारंटी महारैली होने जा रही है, उसकी तैयारी के लिए हम इनके बीच में आए हैं। आदरणीय केजरीवाल जी इस महारैली के मुख्य अतिथि होंगे। उस दिन इस चुनाव के आगोश की घोषणा होगी और ये रैली आदरणीय हमारे जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में रैली होने जा रही है। तो मैंने अपने संगठन के साथियों से निवेदन किया है, प्रार्थना करी है कि हम सब मिलकर लखनऊ की रैली को हम सफल बनाएंगे। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लखनऊ में जो रैली होगी, जिसमें जो है एक बेरोजगारी गारंटी योजना की जो है गारंटी देने के लिए जनसभा की जा रही है। देखिए इसमें क्या है, जैसे जो हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में लगभग जिस तरह से युवा बेरोजगार है आज, जिसके पास पढ़ा लिखा है उसके बाद भी उसे कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वही सौगात जो है हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिलने के लिए मौका आ गया। हमारे माननीय केजरीवाल जी आ रहे हैं और वो गारंटी देंगे कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो प्रत्येक
बेरोजगार युवा को जो है 5000 रुपये महीने दिया जाएगा, अगर जब तक उसकी नौकरी नहीं लगी तब तक। वही अलीगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं ने आपसी कलह की, 2022 के चुनाव में सपा पर कहीं भारी न पड़ जाए ये लोगों का कहना है। समाजवादी पार्टी के कई प्रत्याशी विधानसभा शहर व कोल के टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महानगर कमेटी के कुछ लोगों की ओर से पूर्व विधायक को ही वोट देने की बात कहना एक सपा प्रत्याशी को नागवारा गुजरा। सपा प्रत्याशी ने महानगर की कमेटी को ही दलाल घोषित कर दिया। उनका कहना है कि कुछ दलाल किस्म के लोग ही महानगर के पदों पर कब्जा कर रखा है उन्होंने, यही कारण है कि उनकी ओर से सपा के पूर्व विधायक को जिताने की बात कही जाती है। वहीं दूसरी ओर सपा के भावी प्रत्याशी नाजिम अली का साफ तौर पर कहना है कि सपा के पूर्व विधायक को आराम की जरूरत है, उन्हें आराम करना चाहिए। नवयुवकों की पार्टी समाजवादी पार्टी इस वक्त बन चुकी है। ये सब ये जो सरकार है वो उनको फेलियर है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कमाल कुरैशी की हत्या हुई थी, ऑन रोड उसे गोलियां मार दी गई, ऑन रोड उसे गोलियां मार दी गई। तो आप ये देखिए अभी संदीप जो ये व्यापारी हैं उनकी भी हत्या कर दी गई। तो इस सरकार में जो है जो गुंडे लफाड़ी हैं वो फुल तरीके से जो अपने बहुमत में है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो है हम जो बच जाएंगे तो वो इस तरीके से हत्याएँ कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल इस चीज़ से जो है ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है जब हमारी समाजवादी की आएगी इस पर लगाम लगाई जाएगी। तो जब एक आदमी के पास सिक्योरिटी होने के बाद भी उसकी हत्या कर दी गई तो आज भी देखिए वो कितना बड़ा सातर आदमी होगा, उस पर जाहिर सी बात है किसी ने। एंड्रॉइड मोबाइल ने हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का बादशाह बना दिया है। गांव गांव तक पहुंचे मोबाइल नेटवर्क ने ग्रामीणों की पहुंच बढ़ा दी है। इसी से जुड़ा मामला रायबरेली से भी सामने आया, जहां रायबरेली में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरचंदपुर के खुचमा गांव का ये वायरल वीडियो राशन की दुकानों पर बांटे जा रहे चावल से जुड़ा बताया जा रहा है। वायरल वीडियो बनाने वाले का आरोप है कि शासन के द्वारा राशन की दुकानों पर बांटे जा रहे चावल में प्लास्टिक के चावलों की मिलावट की गई है। वीडियो बनाने वाला जिलाधिकारी से इसकी जांच कराए जाने की मांग करने के साथ राजनीतिक पार्टियों को भी नसीहत दे रहा है। उनका कहना है कि जब जहरीला चावल खाकर वोटर ही नहीं रहेगा तो वोट कौन देगा। इतना ही नहीं, वीडियो वायरल होने वाले ने अपनी बात को साबित करने के लिए चावलों के ढेर से चुने गए कथित प्लास्टिक के चावलों को धोकर और पकाकर अपनी बात को साबित करने का भी काम किया। उसने अपने सभी तजुर्बों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वीडियो बनाने वाले की कोशिश भी रंग लाई है, जब अपर जिलाधिकारी ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच के आदेश दिए हैं। जो हमारे उचित राशन दुकानें होती हैं वहाँ पर FCI के द्वारा प्रदत्त चावलों का ही वितरण किया जाता है। आप लोग के द्वारा जो अभी मुझे संज्ञान कराया जा रहा है कि चावल में मिक्सिंग की गई है, तो जो जिन दुकानों के बारे में आप बता रहे हैं इनके साथ साथ में अन्य दुकानों की भी हम सैंपलिंग करवा लेते हैं। अगर ऐसी कोई गलती है तो उसकी जाँच करा के कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें हम जो चावल प्राप्त करते हैं FCI से आता है और हमारे गोदाम से सीधे इन दुकानों तक जाता है, यदि किसी ने कोई मिलावट किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जहां मुफ्त राशन योजना लागू की गई है और ये गरीबों को राशन देने का काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मिलावटखोर सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये वो चावल है, ये चावल देखिए आप, ये चावल कंट्रोल में बट रहा है। ये कहने को तो ग्रामीण बता रहे हैं कि प्लास्टिक का चावल है और ये लड्डू जो बना है ये इसको अगर करिए तो ये गेंद की तरह उछलता है। तो इस तरह का चावल जो है वो सरकारी दुकानों से बांटा जा रहा है मुफ्त के नाम पर, कहीं ना कहीं जहर परोसा जा रहा है। हमारे साथ एक लोग हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना। क्या परिचय आपका? मेरा नाम करण कुमार है। ये चावल आप कहाँ से लेके आए हैं? मैं राशन की दुकान से लेके आया हूँ, सोरा ग्राम सभा में मैं रहता हूँ, कुजमा गाँव में। और जो है ये चावल हमको कोटेदार ने दिया है। तो इसकी शिकायत किसी से की आपने? नहीं साहब, गाँव में जो है जब घर में लेके आए औरतें कहें कि जो है ये चावल बनाई, तो उसके बाद कहने कि चावल पता नहीं कैसे इसका स्वाद जो है अच्छा नहीं है और जो है पानी में डालते तो ये उतर आ जाता है। आज यहाँ कहाँ पर आए हैं आप? आज हम DM साहब के वहाँ पे आए हैं शिकायत लेकर के कि हाँ इसको, तो DM साहब तो शायद कहीं गए हुए थे और जो है मुलाकात हुई नहीं। साहब अब इसे घूम रहे हैं, तब तक आप लोग मिल गए।
तो कहीं ना कहीं मुफ्त राशन योजना जो है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। गरीबों को दिए जाने वाले चावल में पूरी तरह से मिलावट नजर आ रही है। देखना है उच्च अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करते रहेंगे या ये मिलावटखोर इसी तरह जो है मिलावट कर गरीबों को चावल बांटते रहेंगे। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी रायबरेली। फतेहपुर में ब्लॉक स्तरीय नारी शिक्षा चौपाल के पास देवमई ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी प्रवीण शुक्ल की अध्यक्षता में चौपाल का आयोजन किया गया। ब्लॉक स्तरीय नारी शिक्षा चौपाल का आयोजन बीआरसी देवमई में किया गया, जिसमें न्याय पंचायत की महिला शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया है। इस चौपाल में मिशन शक्ति, लैंगिक समानता व बालिका शिक्षा महत्वपूर्ण बिंदु रहे। आयोजन में सभी ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सम्माननीय जिला SRG राधेश्याम दीक्षित भी मौजूद रहे। वही चंदौली में धान खरीद न होने से किसान नाराज हो गए। उग्र होकर किसानों व डिप्टी RMO के साथ जमकर लड़ाई भी देखने को मिली है। उग्र किसानों ने धान खरीद न होने पर डिप्टी RMO को पीटने की भी धमकी दी। डिप्टी IMO ने भी किसानों को गैर जिम्मेदार बताया है। डिप्टी RMO को लेकर किसानों का हंगामा इसी प्रकार से चलता रहा। बाद में डिप्टी RMO ने क्रय केंद्र को शुरू कराया। चंदौली से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर धान खरीद न होने की वजह से जो किसान परेशान चल रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना आपा खो दिया है। आपको बता दें कि किसानों ने डिप्टी RMO के साथ उनकी जो है बातचीत हुई, वहीं बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों के बीच कहासुनी भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि किसानों ने डिप्टी RMO को कह सकते हैं मारपीट का भी उनको एक तरीके से चेतावनी जारी की है। वहीं हंगामा काफी देर तक जारी रहा, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों और डिप्टी RMO की बातचीत के बीच के ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से किसान जो है उनका एक तरह से झगड़ा चल रहा है डिप्टी RMO के साथ में, जहां उन्होंने अपनी मांग रखी, जहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपना संयम भी खो दिया था। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत पाठक चंदौली से जुड़ चुके हैं। तो अजीत, क्या पूरा मामला है, किसानों का किस प्रकार का हंगामा देखा गया है? मैम, हम आपको बता दें कि नवीन मंडी में आज मतलब कि कई दिनों से धान भीग रहा था, जिसके कारण से किसान आक्रोश में आके डिप्टी RMO के ऑफिस में डायरेक्ट पहुंचे और वहां पर समझाने के बावजूद भी उनको बोला गया कि मतलब कि इस चीज को अथवा किया जाए, हमारी धान खरीदी जाए, बल्कि सीधे बोले कि सरकार को आरोप लगे, सरकार हमको रोकी, आप सरकार से आप बात करिए, डायरेक्ट वो आरोप लगाए, जिसके कारण से किसानों ने कुछ भद्दगी भी किया और उनको गलत वर्ड का प्रयोग भी किया। जी, तो अजीत, क्या कुछ पूरा ये मामला है, क्या कारण रहे जिसकी वजह से जो धान था वो खुले में पड़ा हुआ था और उनको गोदामों बंद नहीं किया गया? मैम, लगभग धान जो था मतलब कि ये लगभग 3 दिन से बारिश के चलते कितने लोग की धान मतलब बड़े बड़े किसानों जिसको 200-300 क्विंटल था उनका धान भीगता चला आ रहा था, जिसके कारण से टोकन नहीं मिल रही थी जी। इसी के कारण से कुछ किसान आक्रोश में आए और डिप्टी RMO के ऑफिस में डायरेक्ट पहुंचे, वहां पर समझाने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी और डिप्टी RMO ने डायरेक्ट उनको बोला कि आप सरकार हमको मना की है, इसलिए हम धान वो नहीं खरीदे, जिसके कारण से आक्रोश और गलत वर्ड का प्रयोग किया गया। तो क्या कुछ जो डिप्टी RMO है, क्या इनसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की गई है, क्या कारण है, सरकार को इस पूरे मामले में क्यों बनाया जा रहा है दोषी, क्या कारण है जिसकी वजह से किसानों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? मैम, जो वहाँ के मतलब जो डिप्टी RMO वहाँ के जो ऑफिस में डिप्टी RMO के ऑफिस में जब किसान गए तो वहाँ के मैं जो डिप्टी RMO थे वो बोले कि मतलब कि हम लोग को मना किए किसान इसमें धान नहीं खरीदने के लिए, जिसके कारण से किसान आक्रोश में आए और अनापना बोलने लगे और थोड़ा भद्दगी और भीड़ भत्तर में थोड़ा गलत वर्ड का भी प्रयोग किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चंदौली से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर धान खरीद ना होने पर किसानों का जो आपा था वो कहीं ना कहीं खो गया और उन्होंने डिप्टी RMO के साथ में कह सकते हैं उनका झगड़ा देखने को मिला है। वहीं संभल में भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यात्राओं का शुभारंभ किया। भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यात्राओं का शुभारंभ करते हुए बता दें कि संभल के हयात नगर मंडल से यात्रा निकालते हुए 31 तारीख में चौधरी सराय 10 बजे तक ये यात्रा पहुंचने वाली है। उन्होंने बताया कि भाजपा की सरकार में ना किसी के साथ भेदभाव हुआ है
आगे बताया गया कि जाति धर्म को एक जैसा समझा जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को समान सम्मान मानती है। वहीं देवरिया के एक निजी मैरिज हॉल में नगर गल्ला किराना कमेटी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत देवी वंदना गीत के साथ व दीप जलाकर की गई। सदर विधायक सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी की ओर से नगर गल्ला के अध्यक्ष आकाश मदेशिया को शपथ दिलाई गई है, जिसके बाद गल्ला किराना समिति के नव निर्वाचित दर्जन पदाधिकारियों के साथ नव नियुक्त अध्यक्ष आकाश मदेशिया ने शपथ ली है। सदर विधायक सत्यप्रकाश ने बताया है जहां कि मेरा सहयोग हमेशा ही व्यापारियों के साथ रहा है और सारे काम व्यापारियों के हित में ही किए गए हैं। नगर गल्ला किराना कमेटी द्वारा भी आज कमेटी का गठन हुआ था, उसका शपथ ग्रहण समारोह है और मुझे आपने यहाँ अतिथि बनाया था। शपथ ग्रहण बहुत संपन्न हुआ, मैं सभी को बधाई देता हूँ। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी नेता वोटरों को लुभाने के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। वही स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के छात्र घोषणा पत्र जारी कर शिक्षा व रोजगार के मुद्दों को चुनावी एजेंडे में शामिल किए जाने की मांग उठाई गई है। जिले में AIMIM के संभावित प्रत्याशी मुशीर खां तरीन को स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने छात्र घोषणा पत्र सौंपते हुए कहा कि छात्र एवं युवा समाज का महत्वपूर्ण अंग होता है। आज चुनौतियों से भरे समय में छात्रों को ढेर सारी समस्याओं का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेता वोटरों से तमाम वादे कर रहे हैं, बावजूद इसके शिक्षा व रोजगार को नेता चुनावी एजेंडा नहीं मानते। सरकार से बात करें और जैसा कि अभी आपने देखा होगा, संभल जो है एक बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है। यहाँ पर जो शिक्षा की पोजीशन है वो बहुत डाउन है। लगभग 1-2% लोग जो हैं यहाँ पर उच्च शिक्षा में जो है आए हैं। तो अब ऐसी पोजीशन में इस कौम का क्या होगा, तो उसकी फिक्र को लेकर ये बच्चे जो हैं ये रात और दिन इस काम में लगे हुए हैं। और इनकी हमारी सबकी मांग है कि संभल में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खोली जाएं और जो जिन बातों को पिछली सरकारों ने नज़रअंदाज किया उनकी तरफ जो है वो रुझान उनका बनाने के लिए और उनको उनकी याददाश्त उनको याद दिलाने के लिए ये जो है काम किया जा रहा है। हमारे यही मांग है कि हमारे एरिया में, हिंदुस्तान में तो होना ही चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया संभल का है, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, यहाँ के प्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। तो इनकी सबकी ये मांग है, ये लड़के जो हैं आज के नौजवान हैं, ये नौजवान पीढ़ी जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने तो इस काम के ऊपर तवज्जो नहीं दी, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जो पीढ़ी है नौजवानों की ये जागरूक हुई है। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ, इनको शाबाशी देता हूँ कि ये लोग, इन लोगों का रुझान पढ़ाई की तरफ आया और गरीब लोगों के लिए रोज़गार के मामले में इन लोगों ने सोचा। ऐसी सोच के लोग अगर हमारे देश में पैदा होने लगे, हमारे संभल में पैदा होने लगे, तो हमारे संभल की प्रॉब्लम, हमारे संभल की समस्याएं इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर सॉल्व होंगी। अच्छा सर, इसी हम देखते हैं कि भारत की तुलना विदेशों से की जाती है, लेकिन विदेशों के हिसाब से जैसे वो अपनी शिक्षा के लिए बहुत बजट निकाल कर रखते हैं, हमारे भारत की ये नहीं। देखिए बजट जो है वो 8% का निकाल कर रखा गया। आप देखिए कहाँ बजट को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ उसका यूज़ है। हमारे 4 लाख शिक्षकों की भर्ती होनी है, खाली पद पड़े हुए हैं, कहाँ उसका उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो धक्के खा रहे हैं, इनमें से आधे बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, धक्के खा रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, शिक्षा भी नहीं और जो शिक्षित हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता। और रोज़गार के अवसर निकालती है गवर्नमेंट, लेकिन उसको सिर्फ कागज़ों तक महदूद रख के और उसके बाद में आगे की कार्रवाई नहीं हो पाती, वो पद खाली पड़े हुए, आज भी खाली पड़े हुए हैं। आप देखिए इसके अलावा 8% की मांग तो वो है ही है, इसके जीडीपी का हिस्सा कितना है, 8% है, कहाँ मिल रहा है वो क्यों नहीं करती गवर्नमेंट खर्च, तो उसके ऊपर ध्यान देने के लिए बच्चों ने हिम्मत की है और मैं इंशाल्लाह इनकी बात जो है वो आगे तक पहुंचाऊंगा। और मेरा सरकार से ये गुजारिश है कि इनके बच्चों की गुहार को सुने
और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है बनवाएं, और यूनिवर्सिटी की मांग हम लोग करते हैं, यूनिवर्सिटी संभल को एक जो है सरकारी मिलनी चाहिए, एक हॉस्पिटल सरकारी यहाँ पर, मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज आज से 4 साल 3 साल पहले आया था, वो उसके लिए ज़मीन हमने भी देने को कह दिया था, और एक इसके सिरसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट की ज़मीन को देने के लिए कहा था, वो सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटी पूरी होकर और वो चैप्टर भी क्लोज हो गया। तो हमारी मांग है सरकार से कि एक मेडिकल कॉलेज संभल को जो पहले से दिया हुआ है उसको बहाल किया जाए, उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इंशाल्लाह अगर वहाँ मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है तो हम देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से किसानों के मामलों में दिए गए बयान को लेकर आज लखीमपुर में सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से कहा गया कि 3 अक्टूबर को किसानों के साथ कोई घटना दुर्घटना हुई थी और किसान अब इस मामले पर राजनीति ना करे, ये निंदनीय है। वहीं अब किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखीमपुर में आकर गवाहों को डरा धमका रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को 20B का मुजरिम बनाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप एक चीज बताइए, किन पे मुकदमा आज से 19 साल पहले हुआ था आपके यहीं पे, उसका जो है तीसरे दिन उनकी बेल हो गई थी 302 में, दिन का मर्डर था 8 बजे का, और 13 साल से हाई कोर्ट में उनका जो मुकदमा है वो आज तक जजमेंट होने के बाद जजमेंट पेंडिंग में पड़ी है, आज तक कभी ऐसा हुआ है? हम ये चाहते हैं भी ये यहाँ इसलिए ना आए भी जितने हमारे गवाह हैं, ये जितना मजबूत SIT ने मुकदमा बनाया है या जितना मजबूत था ये उसको सही रंग दिया है SIT ने, हम ये चाहते हैं ये मुकदमा ऐसे के ऐसे चले, कल को ये हमारे गवाह खरीद ना लें, उनको डरा ना लें, धमका ना लें, इसलिए हम चाहते हैं वो यहाँ पे ना। अरे जो मुकदमा देखते हैं हमारे वकील साहब, उनकी गाड़ी में ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, पीछे से गाड़ी मारी गई है, पहली गल तो वहाँ से मंत्री पद से इनको इस्तीफा अगर नहीं देते हैं तो वहाँ इनको सरकार निकाले और इनका यहाँ आना जो है सरकार बैन करे, पहली बात तो 120B इनके ऊपर बनती, इनको जेल भेजा जाए। वही लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत तो पुलिस को सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने धोखाधड़ी कर आधार कार्ड के नाम पर धन उगाही करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने आधार कार्ड बनाने की मशीन, उपकरण, फिंगरप्रिंट मशीन, रेटिना मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर को बरामद किया है। 3 अभियुक्तों के खिलाफ फिलहाल कड़ी कार्यवाही जारी है। SOG और देवरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने शातिर चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है, जहां संयुक्त टीमों ने 4 अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पीपरपोती छोटी पुलिया के पास से 4 चोरों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। चोरों से कड़ाई पर पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। उनके पास से 47,000 रुपए नकद, 1 लाइसेंसी बंदूक चोरी की गई थी। फिलहाल पुलिस शातिरों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। CO सिटी के नेतृत्व में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जो चोरी हुई थी अमर ज्योति चौराहा में, उसमें एक बड़ी सफलता मिली है। SOG टीम और कोतवाली संयुक्त रूप से इस पे कार्य कर रहे थे, जो एक बड़े चोरों का गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इन चोरों ने 20/12/21 को कोतवाली क्षेत्र में जो सराफा की दुकानें थी उसमें चोरी की थी। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो पीछे से सरिया डाल करके दरवाजे को तोड़ देते हैं और घुस करके चोरी कर ले जाते हैं। ये एक शातिर गैंग है, इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अलीगढ़ में शाहगढ़ HP पेट्रोल पंप के पास से एक ट्रक से मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि एक्सीडेंट में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गई। ट्रक ड्राइवर ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। महिला को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए पुलिस प्रशासन ने PM हाउस में भिजवा दिया है। ट्रक पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि हम आपकी मदद करेंगे। तब जाकर ग्रामवासियों ने शांतिपूर्वक डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की अनुमति दी। आपको बता दें कि मृतक महिला का नाम मीरा देवी बताया जा रहा है, जो खुशीपुरा थाना दादा क्षेत्र की निवासी है। ये खत्म हुई है, क्या नाम है इनका?
मीरा देवी। मीरा देवी, मीरा, मीरा देवी। कौन से गांव की रहने वाली हैं? खुशीपुर आगे। कहाँ से आ रही थी? किनारे से। रिश्तेदारी में से? आपको कैसे इतला हुई कि ये खत्म हो गई? ये हमारे मामा की लड़की ने बताया। एक्सीडेंट के बारे में क्या जानकारी मिली है आपको? पुलिस क्या सहायता कर रही है आपकी? पुलिस तो दोनों करिएगा, वो आते ही हमारे ट्रक कब्जा में हमारे में। गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ है कुछ पता है? ट्रक से बताया है। ये काय पे थे? ये मोटरसाइकिल पे। ये मोटरसाइकिल से थे, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। ट्रक कहाँ है पता है आपको? ट्रक पुलिस वाले के कब्जे में। ये खत्म। वहीं सहारनपुर के थाना मंडी अंतर्गत तोता चौक पर एक पत्रकार ने अपने घर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतका का उसके भाई के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं पत्रकार के आत्महत्या करने की जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी कुछ देर पहले थाना मंडी के ब्रज विहार मोहल्ले में एक मनोज धीमान नामक व्यक्ति, जिनकी उम्र करीब 42-43 वर्ष होगी, इन्होंने अपने घर में, अपने कमरे में अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मार ली। जैसा कि उनके परिजन बता रहे हैं, उनका बेटा और उनकी मदर इल्ला घर में ही थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुँच कर आवश्यक जाँच पड़ताल कर रही है और अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।